तो वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, सही जवाब देने वाले पहले पांच लोगों को अगले वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लूसी को, जो एक होटल के बाहर खड़ी होती है। वहां पे उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड उससे कहता है कि मेरे हाथ में जो ब्रीफकेस है इसे अंदर तुम्हें जाकर के रिसेप्शनिस्ट को देना होगा। लूसी उससे कहती है मुझे सब नहीं करना है, ये काम तुम्हारा है और तुम्हें ये करना चाहिए जाकर के। रिचर्ड उससे कहता है कि इस काम के मुझे $1,000 मिल रहे हैं। लूसी जान जाती है कि ये काम कहीं से भी सही हो ही नहीं सकता है। वो वहां से जाने लगती है कि तभी रिचर्ड उसके हाथ में हथकड़ी बांध देता है जिसका दूसरा एंड उस ब्रीफ केस से कनेक्टेड होता है। लूसी उससे कहती है कि ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो। रिचर्ड उसकी एक भी नहीं सुनता है और उससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर के बस इसे देना है और बाहर आ जाना है। अब मजबूरन लूसी को अंदर जाना होता है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे मिस्टर चैंग से मिलना है, जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसको वहीं रुकने के लिए कहता है। इतने में हम देखते हैं कि काले कोट में 5 से 6 लोग आते हैं और वो बाहर खड़े रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जहां पर रिचर्ड की मौत हो जाती है। लूसी काफी घबरा जाती है और वो लोग लूसी को लेकर के ऊपर निकल जाते हैं। लूसी ऊपर पहुंचती है जहां पे उसे मिस्टर चैंग मिलता है जिसके हाथ में खून लगा होता है और उसने एक रूम में 2 से 3 लोगों को मार दिया होता है। चैंग लूसी से कहता है कि इस ब्रीफ केस को खोलो। लूसी उसकी भाषा को नहीं समझ पाती है। इसके बाद चैंग उसकी बात एक ट्रांसलेटर से करवाता है। वो ट्रांसलेटर लूसी से कहता है कि तुम्हें वही करना होगा जैसा मिस्टर चैंग तुमसे कहते हैं, इसके बाद तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। अब चैंग उसको उस ब्रीफ केस का कोड देता है और कोड देते ही वो अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है और दीवार के पीछे छुप जाता है। वो लूसी से कहता है कि मुझे नहीं भरोसा है रिचर्ड के ऊपर कि क्या पता उसने इसके अंदर बॉम्ब रखा हो। अब घबरा करके लूसी उस ब्रीफ केस को खोलती है जिसके अंदर 4 पैकेट होते हैं नीले कलर के। चैंग वहां पर आता है और अपने साथ एक आदमी को लेकर के आता है। वो उस पैकेट को उस आदमी को सूंघने के लिए कहता है। जैसे वो उसके अंदर के मटेरियल को अंदर लेता है उसकी अजीब तरीके की हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं और वो आदमी वहीं पे बैठ के हंसने लगता है। चैंग के सभी आदमी उसे देख करके हंस रहे होते हैं, तभी चैंग उस आदमी को जान से मार देता है। अब वो ट्रांसलेटर लूसी से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। लूसी जॉब लेने से मना कर देती है। इतने में चैंग का आदमी लूसी के मुंह पे घूंसा मार देता है और लूसी बेहोश हो जाती है। लूसी की आंख खुलती है तो वो एक रूम में होती है बेड पे, जहाँ उसके पेट का ऑपरेशन हुआ होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके किसी ऑर्गन को निकाल दिया गया है। इतने में चैंग का आदमी वहां पे आ जाता है और वो लूसी को बाहर आने के लिए कहता है। लूसी जैसे ही बाहर पहुंचती है वहां पे एक डॉक्टर खड़ा होता है जो लूसी से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारे किसी ऑर्गन को निकाला नहीं है बल्कि हमने तुम्हारे पेट में उस पाउच को लगा दिया है और तुम्हें वही करना होगा जैसा जैसा हम तुमसे कहते हैं। इसके बाद लूसी के बगल में 3 और आदमी आकर के खड़े हो जाते हैं। इनके पेट में भी उस पाउच को लगाया गया होता है। वो डॉक्टर इनसे कहता है कि तुम्हें इस पाउच को एक लोकेशन पे डिलीवर करना है एयरपोर्ट पार करने के बाद। उसके बाद हम तुम्हारे पेट से उस पाउच को निकाल लेंगे और तुम्हारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और मजबूरन हमें तुम्हारी फैमिली को मारना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी के सर पे कपड़ा बांध दिया जाता है और उसे एक लोकेशन पे भेज दिया जाता है। जब लूसी की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में होती है जो कि जेल के तरीके होता है और उसके सामने 2 से 3 लोग खड़े होते हैं। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, जहां लूसी उनसे रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वहां खड़ा आदमी गुस्सा जाता है और वो लूसी को मारने लगता है। वो लूसी के पेट में घुसा मारता है ये जाने बिना ही कि उसके पेट में एक पैकेट है, जहां पे उसके पेट का पैकेट फट जाता है और उसके अंदर का लिक्विड निकलने लगता है और वो लूसी के शरीर में मिलने लगता है। लूसी की आंखों का कलर नीला हो जाता है। इसके बाद वो आदमी उसे छोड़ करके वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि लूसी दर्द से तड़प रही है और वो दीवार पे बिना कुछ करे चढ़ने लगती है और दर्द के मारे वहीं गिर के वो बेहोश हो जाती है। तो अब आता है आपका पहला सवाल, लूसी के बॉयफ्रेंड का क्या नाम था जिसने उसके हाथ में ब्रीफकेस को बांध दिया था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम जहाँ पे एक साइंटिस्ट काफी लोगों को लेक्चर दे रहा होता है। इस साइंटिस्ट का नाम होता है सैमुअल नॉर्मन और ये ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है। नॉर्मन वहाँ पे लोगों को बताता है कि हमने अब तक जो भी अचीवमेंट की है लगभग अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करके की है। जो प्लेन्स हम उड़ाते हैं, जो गाड़ियां हम चलाते हैं, ये सब हमने 10% ब्रेन का इस्तेमाल करके ही किया है। हम इंसान अपने आप को काफ़ी तेज समझते हैं लेकिन नॉर्मली एक इंसान अपने दिमाग का 3 से 4% इस्तेमाल ही करता है। इसके बाद नॉर्मन ये भी बताते हैं कि एक ऐसा जीव भी है जिसने हमसे ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल किया इस धरती में और ये कोई और नहीं एक डॉल्फिन है। डॉल्फिन ने सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करके हमसे ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी हेल्प से वो रास्ते को ढूंढ लेते हैं। तभी वहां पे बैठा एक बच्चा नॉर्मन से पूछता है कि क्या हो अगर इंसान 20% से ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करने लगे। नॉर्मन उससे कहते हैं इसके बाद इंसान किसी भी चीज को कंट्रोल करने लगेगा और उसके साथ साथ वो अपने शरीर की हर बीमारी हर चीज को 1 सेकंड में ठीक कर लेगा। अब हम देखते हैं लूसी को जिसकी आंख खुलती है और वो नॉर्मली बैठ जाती है।
उसके रूम में एक आदमी आता है जिसको देखते ही लूसी उसको सेड्यूस करने की हरकत करती है और उसके सामने अपनी टांगों को खोल देती है। वो आदमी लूसी के पास जैसे ही पहुंचता है लूसी उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है और वहीं पे उसको ख़त्म कर देती है। इसके बाद वो उसकी गन लेकर के बाहर जाती है जहां पे 4 से 5 आदमी बैठे होते हैं और वो एक एक करके उन सबको ख़त्म कर देती है। इस बीच हम देखते हैं कि लूसी के कंधे में एक गन भी लग जाती है और वो उस गोली को बड़े आराम से निकाल करके फेंक देती है। इसके बाद वो ड्रिंक पीती है और बाहर जाते ही खड़े 2 आदमी से एक को गोली मार देती है और दूसरे से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में लेकर के चलो। लूसी पहुंचती है हॉस्पिटल में जहां पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक आदमी का इलाज चल रहा होता है। वो वहां पहुंचते ही उस पेशेंट की रिपोर्ट चेक करती है और उसको स्कैन मारती है जिसके बाद वो उसे गोली मार देती है और इसके बाद वो डॉक्टर से कहती है कि ये मरने वाला था, इसको तुम कुछ भी कर लेते पर बचा ना पाते, तुम्हें चुपचाप मेरा ऑपरेशन करना होगा। वो डॉक्टर के ऊपर गन तानते हुए कहती है कि मेरे पेट में एक पैकेट है, इसको तुम्हें निकालना होगा क्योंकि ये फट चुका है और काफ़ी ज़्यादा मेरे शरीर में मिल चुका है। वो डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं जहाँ लूसी अभी भी आंखें खोल के अपना ऑपरेशन करा रही होती है। असल में अब उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा होता है। इसके बाद लूसी अपनी मदर को फ़ोन करती है जहाँ पे उसको अपनी पुरानी यादें बताती है और हमें पता चलता है कि लूसी की मेमोरी इतनी तेज़ हो चुकी है कि उसको बचपन में उस समय की बातें याद हैं जब वो 1 से 2 दिन की हुआ करती थी। उसकी मदर भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं और इस बीच उसके पेट का चीरा भी खोला जा रहा होता है और उसके पेट से उस पैकेट को निकाला जाता है जो कि आधा होता है। डॉक्टर लूसी से पूछता है कि ये है क्या। लूसी उसको बताती है कि ये CPH4 है। डॉक्टर उसको बताता है कि ये 6 वीक की प्रेग्नेंट औरतों के अंदर बनता है। इसकी हेल्प से वो अपने बेबी को एनर्जी देती हैं जिसके बाद वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में बनता है। मुझे काफ़ी ताजुब है कि तुम्हारे पेट में लगभग आधा किलो CPH4 जा चुका है और तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लूसी उससे कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए ही जिंदा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से पैकेट लेकर के निकल जाती है और वो पहुँचती है चांग के यहाँ जहाँ पे चांग रेस्ट कर रहा होता है। वहाँ पहुँचते ही वो चांग के आदमियों को मारना शुरू कर देती है और चांग के हाथ में चक्कू घुसेड़ देती है। वो चांग से पूछती है उन बाकी 3 लोगों की लोकेशन जिनके पेट में CPH4 होता है, लेकिन चांग उसको कुछ भी नहीं बताता है। जहाँ पे गुस्सा करके लूसी उसके दिमाग पे हाथ रखती है और हमें पता चलता है कि लूसी के पास इतनी ज़्यादा पावर्स आ चुकी हैं कि वो चांग के दिमाग को भी पढ़ सकती है। वो उन 3 लोगों की लोकेशन चांग के दिमाग को पढ़ के निकाल लेती है। इसके बाद वो पहुँचती है अपनी दोस्त के यहाँ। जहाँ पहुँचते ही वो फेमस साइंटिस्ट के बारे में सर्च करती है जो कि दिमाग के बारे में एक्सपर्ट है। वहाँ पे उसे नॉर्मन के बारे में पता चलता है जो कि ब्रेन की रिपोर्ट में अब तक सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। इसके बाद वो नॉर्मन को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप अब तक सबसे करीब पहुंच चुके हैं ब्रेन की स्टडी में। नॉर्मन उससे कहता है तुम्हें पता भी है कि मेरे बुक्स में कितने पन्ने हैं। वो उसको बताती है कि आपकी बुक में 6,700 कुछ पन्ने हैं। नॉर्मन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि ये है कौन। इसके बाद लूसी उससे कहती है कि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा CPH4 जा चुका है जिस वजह से मैं अपने दिमाग का 20% के ऊपर इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मैं लगभग 100% दिमाग का इस्तेमाल करने वाली हूँ। नॉर्मन उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अगर तुम ऐसा कर रही होती तो अब तक तुम मर जाती। इसके बाद लूसी उसको अपनी पावर्स दिखाती है जहाँ पे वो सामने की टीवी में अपने आप को दिखाती है, नॉर्मन के फ़ोन में अपने आप को दिखाती है और उसके लैपटॉप में भी अपने आप को दिखाती है। असल में जब कोई भी इंसान 20 से 25% के ऊपर अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने लगता है तो वो हर मैटर को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। नॉर्मन जान जाता है कि लूसी झूठ नहीं बोल रही है। लूसी उससे कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल कर लूँ तो मैं इसका क्या करूँ। नॉर्मन उससे कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे में तुम्हें अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि तुम मेरे पास आओ और अपनी सभी नॉलेज को मेरे साथ जोड़ो जिसके बाद मैं आगे की जनरेशन को इसे दे सकूँ। इसके बाद लूसी उससे कहती है कि मैं 12 घंटे में आपके पास आ जाऊँगी और वो अपने दोस्त के घर से निकल जाती है। वो पहुंचती है एयरपोर्ट में जहां जाने से पहले वो डेलियो को फ़ोन करती है जो कि एक इंस्पेक्टर होता है। वो उसको उन 3 लोगों की लोकेशन बता देती है जो एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले होते हैं। डेलियो उन 3 लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हालांकि लूसी उससे ये भी कहती है कि मुझे उन 3 लोगों से मिलना है और उनके पेट के उस पैकेट को भी चाहिए। जब वो आगे जाकर के एयरपोर्ट में पहुंचती है और अपने प्लेन में बैठ के निकल जाती है तो हम देखते हैं कि ड्रिंक पीने के दौरान लूसी का एक दांत उस ड्रिंक के अंदर गिर जाता है। असल में अब उसका मरना शुरू हो गया होता है। लूसी काफ़ी घबरा जाती है और उसके हाथ में उसके बाकी के दांत भी आ जाते हैं। अब वो उस पैकेट को लेकर के बाथरूम में घुस जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आँख ऊपर नीचे होने लगी है और वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है। अब घबरा करके वो पूरा का पूरा पैकेट ले लेती है जहाँ एकदम से चारों तरफ रोशनी जलती है और लूसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब लूसी की आँख खुलती है तो वो एक कैबिन में होती है जहाँ पे तो अब आता आपका दूसरा सवाल, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था जो ब्रेन के बारे में स्पीच दे रहा होता है। जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। उसका इलाज हो रहा होता है।
वहीं दूसरी ओर डेलियो डॉक्टर से कहता है कि तुमने उस लड़की का ख्याल तो रखा है। डॉक्टर उसको बताता है कि मैंने उसको काफी ज्यादा इंजेक्शन दिए हुए हैं जिस वजह से वो 20 घंटे से पहले तो जगने नहीं वाली। इतने में लूसी वहां पे चल के आ जाती है डेलियो के पास। डेलियो के सभी आदमी लूसी के ऊपर गन तान देते हैं। लूसी डेलियो से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। डेलियो उससे कहता है कि जो भी बात करनी है तुम्हें यहीं पर करनी होगी। लूसी अपने हाथ के एक इशारे से वहां पे खड़े हर आदमी को बेहोश कर देती है और हमें पता चलता है कि वो लगभग अपने 50-60% दिमाग का इस्तेमाल करने लगी है। अब वो डेलियो के पास जाती है जहां डेलियो की गोली की सभी बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं। डेलियो से वो कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। अब डेलियो के पास कोई और रास्ता होता नहीं है, इस वजह से वो लूसी के साथ वहां से निकल जाता है। लूसी उससे कहती है कि मुझे उन लोगों की लोकेशन चाहिए जिनके पेट में वो बैग्स हैं। वो उससे बताता है कि वो पास के ही हॉस्पिटल में गए हैं, हम थोड़ी देर में वहां पे पहुंच जाएंगे। वो लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं कि इस बीच हम देखते हैं कि चांग का आदमी बात करता है चांग से कि उसे उस हॉस्पिटल के बारे में पता चल गया है जहां पे लोगों के पेट में वो पैकेट्स हैं और वो जा रहा है उन पैकेट्स को निकालने के लिए। लूसी कार में बैठी होती है जहां पे उसे चांग के आदमी की सभी रीडिंग्स मिल जाती हैं। वो डेलियो से कहती है कि मुझे कुछ लोगों की आवाज आ रही है जो कि बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हैं, इसका मतलब हमें उनसे पहले वहां पहुंच करके उन पैकेट्स को लेना होगा। अब लूसी उससे ड्राइविंग सीट ले लेती है और गाड़ी चलाना शुरू करती है। वो बहुत ही खतरनाक तरीके की ड्राइविंग करती है जहां पे वो गली से लेकर के हर जगह घुस के गाड़ी को लेकर के वहां से निकल जाती है। डेलियो उससे कहता है कि तुम नॉर्मली ऐसे ही ड्राइव करती हो। लूसी उससे कहती है कि मैं जिंदगी में आज पहली बार ड्राइव कर रही हूँ। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पे वो लोग देखते हैं कि चांग के आदमी अंदर घुस चुके हैं और वो तीनों आदमियों के पेट से उन पाउच को निकालना शुरू कर चुके हैं। लूसी वहां पहुंचते ही चांग के आदमियों को हाथ से ही हवा में तान देती है और उनसे उन पैकेट्स को लेकर के वहां से बाहर निकल जाती है। अब चांग को ये बात पता चलती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उन पैकेट्स की ताकत क्या है, इस वजह से उसे अब उन पैकेट्स को हर हाल में पाना है। लूसी उन पैकेट्स को लेकर के पहुंचती है डेलियो के साथ नॉर्मन के पास। नॉर्मन लूसी को देखते ही काफी खुश होता है। वो डेलियो से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे अपने कुछ आदमियों को बुला लेना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में चांग यहाँ पे आने वाला है। डेलियो वहाँ पे अपने आदमियों को बुला लेता है और वो उस हॉस्पिटल को चारों ओर से घेर लेते हैं ताकि वो चांग के लोगों से उन्हें बचा सके। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चांग भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और उसके पास रॉकेट लॉन्चर भी होता है। लूसी से एक साइंटिस्ट पूछता है कि मैं कैसे इस लड़की के ऊपर भरोसा कर लूं। तभी लूसी उसके ऊपर हाथ रखती है जहां पर उस साइंटिस्ट को उस समय की याद वो दिखाती है जब उस साइंटिस्ट की बेटी को एक ट्रक ने कुचल दिया था। अब उस साइंटिस्ट को लूसी के ऊपर भरोसा हो जाता है। अब वो लोग लूसी से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं जहां उनमें से एक लूसी से पूछता है कि इतनी सारी नॉलेज तुम्हें मिल कहां से रही है। लूसी बताती है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सेल्स हमारे एनवायरमेंट्स में है ये मुझे चारों तरफ से नॉलेज दे रहे हैं। वो उनसे बताती है कि सेल्स से ही पूरी दुनिया बनी है। इसके बाद वो सेल्स का गेम दिखाते हुए अपने हाथ को तरह तरह की चीजों में ट्रांसफॉर्म करती है जो देख करके वहां खड़े हर साइंटिस्ट काफी शॉक्ड हो जाता है। लूसी उन लोगों को बताती है कि मैथ जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये तो इंसानों ने बनाई है अपनी चीजों को आसान करने के लिए। वो उससे पूछते हैं कि अगर मैथ है नहीं तो हम चीजों को मेजर कैसे करेंगे और हमें चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा। लूसी उन्हें एक एग्जाम्पल दिखाती है जिसमें एक मैदान में कार दौड़ रही होती है। अब वो उस कार को काफी तेज कर देती है जहां एक समय के बाद वो कार उन्हें दिखना ही बंद हो जाती है। वो उनसे कहती है कि ये असल में समय है जिसकी हेल्प से हम चीजों को देखते हैं और समझते हैं। अगर हम समय को रोक देंगे तो चीजें हमें दिखेंगी और अगर समय बहुत तेज चलेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक सेल्स को यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चांग डेलियो के ऊपर अटैक कर देता है और उनके आदमियों के ऊपर भारी पड़ने लगता है जिसमें डेलियो काफी घायल हो जाता है। वो अंदर घुस के लूसी से कहता है कि तुम जो भी यहाँ पे करने आई हो जल्द से जल्द उसे करके खत्म करो क्योंकि चांग यहाँ पे ऑलमोस्ट अंदर घुस चुका है। अब लूसी उन सभी पैकेट्स को खोलने को कहती है और उन्हें एक साथ अपने शरीर में लगवा लेती है जिसके बाद उसका शरीर 100% ब्रेन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि धीमे धीमे लूसी काली पड़ने लगती है। नॉर्मल लूसी से कहता है कि मुझे तुम्हारी नॉलेज के बारे में कैसे पता चलेगा। वो उससे कहती है कि मैं एक पेन ड्राइव को बना दूंगी और हम देखते हैं कि लूसी के शरीर से काली काली चीजें निकलती हैं जो भी वहां रख के सभी सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं और उनसे एक काली सी पेन ड्राइव बनाने की कोशिश करने लगती हैं। लूसी को हम देखते हैं जो कि समय के आगे पीछे जाती है। उसे सब कुछ पता चलता है कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसके साथ साथ क्या और कब कैसे हुआ। वो सबसे पहले आदिवासियों के पास पहुंचती है। इसके बाद वो थोड़ा और समय में आगे जाती है जहां पे उसे डायनासोर्स मिलते हैं और इसके बाद वो उस समय पहुंचती है जब वो पहली बंदरिया दिखी जो कि आगे जाकर के इंसान बनी। वो हर चीजों को जान जाती है और उनको उन पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने लगती है। वहीं दूसरी ओर चांद उस दीवार को तोड़ देता है जिसके अंदर लूसी होती है। वो अंदर जाकर के लूसी के ऊपर गन तान देता है जहां पे हम देखते हैं कि लूसी पूरी की पूरी काली पड़ने लगी है और वो पूरी काली पड़ते ही गायब हो जाती है।
चांग वहाँ पे गन चलाता है और वो देखता है कि वहाँ पे लूसी है ही नहीं। वो उन लोगों से पूछता है कि लूसी है कहाँ। इतने में उसके पीछे आकर के डेलियो उसको गोली मार के खत्म कर देता है। डेलियो नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ गई। तभी डेलियो के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, और ये मैसेज लूसी का होता है। असल में फिजिकली लूसी गायब हो चुकी होती है, लेकिन अब वो पूरी की पूरी दुनिया में मिल चुकी है और वो कहीं भी किसी भी समय जा सकती है। हमें दिखाई जाती है वो काली सी पेनड्राइव जो नॉर्मन के हाथ में लग चुकी है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।